तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राण के आधार पर ध्वनियाँ। तो हिंदी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राण के आधार पर ध्वनियाँ। इसके पहले हम लोग 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्वर व्यंजन और हिंदी की क्या रूपरेखा है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो लाइन से हम लोग उनको वीडियो को देख लें, क्योंकि हमने सारे नोट्स लाइन से कंप्लीट करवाए हुए हैं। और जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट नोट्स बना रहे हैं, तो उनको आप लाइन से बनाते जाइए, है ना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्राण के आधार पर ध्वनियाँ, तो प्राण के आधार पर ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका महाप्राण, दूसरा है अल्प प्राण, ठीक है। ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्णमाला का एक चार्ट बना लेते हैं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सारे स्पर्श व्यंजन लिख लिए हैं। अब इसको हम वर्गों के हिसाब से इसको बांट देते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं, पहले भी हमने पढ़े हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग, ठीक है। 5 वर्ग हैं, लेकिन इसमें से पहला, तीसरा और 5वां, ये तीनों आपके क्या हैं? ये हैं आपके अल्प प्राण, ठीक है। पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या कहलाते हैं? ये अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है, ठीक है। और जो अल्प प्राण हैं, तो अल्प प्राण में आपके ये सारे पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आ गया, और इसके साथ साथ अल्प प्राण में कुछ एक्स्ट्रा ध्वनियाँ आती हैं, जो हैं या, वा, रा, ला। आपको स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, या, वा, रा, ला। तो ये सारे क्या आते हैं? ये आपके अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां और या, वा, रा, ला, ये अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। पहला, तीसरा, 5वां, ठीक है, और प्लस या, वा, रा, ला। फिर देखते हैं दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ये है आपका महाप्राण, ठीक है। दूसरा चौथा क्या है? ये आपका महाप्राण कहलाता है। तो प्राण के आधार पर ध्वनियाँ। प्राण क्या होता है? प्राण वो होता है, वो ध्वनियाँ हैं। जब हम श्वास को प्राण के रूप में अंदर लेते हैं तो वो प्राण कहलाते हैं, और उसी में जो ध्वनियाँ बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राण के आधार पर ध्वनियाँ। तो दो प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल प्रश्न है। तो अभी तक की वर्णमाला में ये हमारा आखिरी चैप्टर था, और ये सबसे सरल भी है कि पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और ये बहुत सरल प्रश्न भी है, और ये आपको नंबर देने वाला प्रश्न है ना। ये अगर पेपर में आता है तो आपको नंबर दे के जाएगा। तो हमारी वर्णमाला यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद हम शब्द पढ़ेंगे, शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली क्लास के लिए, और दोस्तों को शेयर भी कर दें।